ये कन्हैया क्यों तैयार हो रहा है? तो क्या हुआ, सभी को बुलाया है ना? वो तो ठीक है, पर बॉस की पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, हमें स्पेशली बुलाया है, और तुम ये सब। So what? He is also a special child. यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बेटा है। देखो देखो वृंदा, तुम फिर से शुरू मत हो जाना, हमें निकलना है जल्दी, और फिर वहां कुछ उल्टा सीधा कर दिया या किसी को हर्ट कर दिया इस पागल ने, तो पागल नहीं है। सुना तुमने, पागल नहीं है वो। अगर अपने बच्चे के बारे में तुम्हारे यही ख्याल है तो पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारोगे? ठीक है, लेकिन मुझे वहां कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जाइए, मैं और कन्हैया यही है। पर अगर वो पूछेंगे कि तुम्हारे बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहना मेरी वाइफ और बच्चा घर पर है, ताकि आपकी शानदार पार्टी खराब ना हो। पर उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया है वृंदा। तो कन्हैया, वो भी तो फैमिली है। उनको कन्हैया के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एक बच्चा भी है? क्या बताता उन्हें, बताओ क्या बताता कन्हैया के बारे में? यही कि हम कहीं जा नहीं सकते, किसी को अपने घर बुला नहीं सकते, शादी ब्याह उत्सव पार्टी जन्म मरण कहीं भी जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि जाए या न जाए, किसका खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, जिंदगी भर यही करते करते हम मर कब जाएंगे? क्या ये बताता अपने बॉस को? मतलब कन्हैया के पिता होने में शर्म आती है तुम्हें? शेम ऑन यू। किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने? मैंने क्या कहा तुमने? मैंने मतलब तुम मानते हो कि कन्हैया सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? ज्यादा मत बनो। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम और तुम्हारा बेटा विक्टिम और हम सब जल्लाद हैं? आज तुम ही सुन लो, या तो हम तीनों जाएंगे या तुम अकेले। वृंदा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, तो रखो अपनी जिद। अगर शादी तुम्हें गुलामी लगती है तो ठीक है, आज से तुम गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। नरक बना के रखिए जिंदगी। क्या हुआ मम्मी? अच्छा ही हुआ। अच्छा नहीं हुआ यार? हाँ यार, अच्छा तो नहीं हुआ, पर इसमें कसूर किसका है? किसी का नहीं, कसूर या तो प्रारब्ध का हो सकता है या नसीब का। क्या यार, तुम भी एकदम 18वीं शताब्दी की बात करती हो। नसीब और प्रारब्ध कुछ नहीं है, जो मिला है उसे निभाना और संभालना होता है, पर इन दोनों को तो खुद एक रोग से बचना है। कौन सा रोग? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? अरे वो किशोर दा का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोग।